हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इसका नाम है ड्रोन टेक। मेरा नाम भरत और आज इस वीडियो के अंदर हम जो है 35,000 रुपीज़ से कम की प्राइस का एक पीसी बिल्ड करेंगे। तो कौन कौन से कंपोनेंट्स आप जो है अपने पीसी के अंदर लगा सकते हो और एक पीसी बिल्ड कर सकते हो, उसके बारे में मैं आपको फुल डिटेल्स जो है देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और इसके अंदर जो प्रोसेसर हमने लगाया है वो है इंटेल की तरफ से आने वाला प्रोसेसर। तो वीडियो को जो है पूरा एंड तक देखना ताकि आपको पूरे अच्छे से क्लियर हो जाए कौन सा पीसी हम बिल्ड कर रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रोसेसर की। तो प्रोसेसर हमने यहाँ पर यूज़ किया है इंटेल की तरफ से आने वाला कोर i3 9100F। इसके अंदर जो है 4 कोर और 4 थ्रेड आते हैं। इसके अलावा ये जो है 4.2 GHz तक जो है मैक्सिमम आप इसको ओवरक्लॉक कर सकते हैं। 65 वॉट की इसकी TDP है। बहुत ज़्यादा जो है ये पावर कंज्यूम नहीं करता है। इसके साथ जो है आपको ग्राफिक कार्ड लगाना ही पड़ेगा। इसके अंदर इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स नहीं आते हैं, तो साथ में जो है एक ग्राफिक कार्ड आपको पेयर करना ही पड़ेगा। इसकी जो प्राइस है वो अभी चल रही है 6,250 रुपये, और अभी ऑफर चल रहा है HDFC से जो है 10% का जो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। टोटल 1,750 रुपये जो है कम हो सकते हैं। अगर आप 20,000 या उससे ऊपर की जो है शॉपिंग करते हैं तो 1,750 रुपये का आपका डिस्काउंट हो जाएगा। अगले कंपोनेंट की बात करते हैं जो कि है मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड हमने यहाँ पर यूज़ किया है आसूस की तरफ से आने वाला आसूस प्राइम H310M मदरबोर्ड। और इसके अंदर जो है इंटेल का जो प्रोसेसर है वो सपोर्ट कर जाता है। मैक्सिमम आप 2666 MHz की जो है इसके अंदर रैम लगा सकते हो, तो उसी को हम लेंगे। और काफ़ी अच्छा जो है ये आपको मदरबोर्ड मिल जाता है। काफ़ी सारे कंपोनेंट्स आप इसके अंदर लगा सकते हैं, 6 USB आप लगा सकते हैं इसके अंदर। तो ओवरऑल जो इसकी क्वालिटी है और फिट एंड फिनिश है वो बहुत अच्छी मिलती है। प्राइस की बात करें तो 4,780 रुपये इसकी प्राइस है। अगले कंपोनेंट की बात करते हैं जो कि है रैम। तो रैम हमने यहाँ पर यूज़ की है XPG की 8 डाटा वाली रैम। ये जो रैम है अभी डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल रही है 2,800 रुपये की आपको पड़ जाएगी। और इस पर जो 10% और कम हो जाएगा तो आप लगा सकते हैं कितना आपको जो है कम हो जाएगा। 8 GB की रैम है, 3000 MHz पर क्लॉक्ड है, तो काफ़ी अच्छी रहेगी अगर आप गेमिंग वगैरह करना चाहते हैं, एडिटिंग करना चाहते हैं, हर एक चीज़ के लिए जो है ये रैम काफ़ी अच्छी रहेगी। अगले कंपोनेंट की बात करते हैं जो कि यहाँ पर हमारा PSU। तो PSU हमने यूज़ किया है एनटेक की तरफ से आने वाला एनटेक एटम 550 वॉट नॉन मॉड्यूलर गेमिंग PSU। तो ये इसकी जो प्राइस है वो है 2,300 रुपये, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का जो है आपको ये PSU मिल जाता है। 550 वॉट जो है मोर देन इनफ है। वैसे इस बिल्ड में अगर आपका बजट कम है तो 450 वॉट की पावर सप्लाई से भी काम चल जाएगा, क्योंकि मैंने कैलकुलेट करके देखा तो लगभग 120 से 130 जो है ये जो TDP है लेता है आपका कंप्यूटर। तो 450 वॉट की भी लगाएंगे तो आपका काम चल जाएगा, लगभग 2,000 रुपये की आएगी। तो ये आपके बजट के ऊपर है आप कौन सी PSU लगाना चाहते हैं। अगले कंपोनेंट की बात करते हैं जो कि है हार्ड डिस्क। तो यहाँ पर हमने यूज़ किए 500 GB की कंप्यूटर कंपनी की हार्ड डिस्क, यानी कि वेस्टर्न डिजिटल की हार्ड डिस्क है ये। प्राइस इसकी है 2,000 रुपये लगभग। और अगर आपका बजट ज़्यादा है तो 1 TB की हार्ड डिस्क आप लगा सकते हैं, या फिर आप 128 GB की SSD और साथ में 500 GB की हार्ड डिस्क लगा लें, वो एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा। तो जैसे भी आपका बजट बैठता है उस हिसाब से आप जो है अपनी हार्ड डिस्क लगा सकते हैं। सबसे मेन कंपोनेंट की बात करते हैं जो कि हमारा ग्राफिक कार्ड। तो यहाँ पर हमने ग्राफिक कार्ड यूज़ किया है GTX 1650 सुपर ट्विन फैन वाला, और ये जो है इस बजट के लिए सबसे परफेक्ट जो है चॉइस रहने वाली है। अगर आपका बजट है ग्राफिक कार्ड पे 15,000 रुपये तो इसी के साथ जाइएगा, 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। 4 GB का ग्राफिक कार्ड है 1650 सुपर, कोई भी गेम आप खेलेंगे तो 1080p पे आराम से आप खेल पाएंगे हाई सेटिंग्स के ऊपर, और 1440p पे भी आप मीडियम सेटिंग्स पर कुछ गेम्स को खेल पाएंगे। तो ये कमाल का जो है आपको ग्राफिक कार्ड मिल रहा है, फ्यूचर प्रूफ है, और इसको लगाने के बाद जो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह अगर आप फ्यूचर में करेंगे तो आराम से इस ग्राफिक कार्ड के साथ भी आप कर सकते हैं। आखिरी कंपोनेंट की बात करते हैं जो कि हमारा कैबिनेट। तो जो भी सारी चीज़ें हमने लगानी है इसी के अंदर लगानी है। तो ये है एंट की तरफ से आने वाला एंट ई स्पोर्ट 120AG मिड टावर कैबिनेट। और इसके अंदर जो है आप मोस्टली सारी चीज़ें आप लगा सकते हैं। फ्रंट में आपको 8 GB लाइटिंग मिलती है, डिज़ाइन वगैरह जो है बहुत ही अच्छा है, साइड में आपको मिरर मिलता है यहाँ पर, और स्पेस भी जो है बहुत ज़्यादा मिलता है, मोर देन इनफ स्पेस है। तो ग्राफिक कार्ड आपका आपका जो है आराम से फिट हो जाएगा इसके अंदर। इसी के अलावा मदरबोर्ड वगैरह सब चीज़ आप इसके अंदर लगा सकते हैं, चाहें तो ऊपर की तरफ जो है फ़ैन वगैरह भी लगा सकते हैं। तो ये जो बिल्ड है ये मुझे लगता है बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए, डिज़ाइन वगैरह बहुत अच्छा मिलता है इस कैबिनेट का। बाकी अगर आपका बजट जो है ज़्यादा है तो 3,000-3,500 तक के भी कैबिनेट आते हैं, उनके साथ भी आप जा सकते हैं। बाकी इस
बजट की अगर बात करूँ तो ये जो टोटल है ये 35,000 रुपीज़ हो जाएगा। और अगर आपके पास HDFC का क्रेडिट कार्ड पड़ा है तो 10% का और एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको उस पर मिल जाएगा, लगभग 1700 रुपये तक का जो आपका डिस्काउंट हो जाएगा। अगर आप गेमिंग करना चाहते हैं 1080p एट हाई सेटिंग्स के ऊपर तो डेफिनेटली ये जो प्रोसेसर और ये जो मदरबोर्ड सब चीज़ें मैंने आपको बताई ये कंपोनेंट्स ये आपके लिए परफेक्ट रहने वाले हैं। बाकी अगर आपका कोई भी सजेशन है तो नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर से बताइए, कोई और पार्ट इसके अलावा इसमें लग सकता है तो वो मुझे ज़रूर से बताइएगा। बाकी AMD के हिसाब से जो है मैंने ऑलरेडी एक बिल्ड बना रखा है चैनल पर, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको भी जा करके देख सकते हैं। हर एक कैटेगरी में जो है 70,000 रुपये तक के PC के मैंने PC बिल्ड का जो सजेशंस हैं वो दे रखे हैं। तो बाकी इस वीडियो में इतना ही था फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या कमेंट है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम की ID है ड्रोन टेक्निकल के नाम से। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही था फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।